शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हेलो, या तो तुम पार्टी का टिकट लौटा दो, नहीं तो हम लौटा देंगे तेरे दामाद को, वो भी टुकड़ों में। जब बात उनकी जान पर बनाएगी तो हम लड़ेंगे। गौरव, तुम जहाँ भी हो, हम तुम्हें बचा दे आए हैं। इस वक्त कहना ही है जो हमारी मदद कर सकती है। कहना, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें लेने आ गए हैं, अब तुम चिंता मत करना। गौरव, हम तुम्हें लेने आ गए, अब तुम चिंता मत करना। बस थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना, हम तुम्हें यहाँ से बचाकर लेकर ही जाएंगे। हे भोलेनाथ, हमारी कहना की रक्षा करना। हमें ऐसा लग रहा है कि कहना किसी मुसीबत में है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई आवाज हुई है ना? हाँ, मुझे शक नहीं, पक्का यकीन है कोई आवाज हुई है। कोई नहीं है, लगता कोई भारी भरकम जानवर था। ये रही वो चीज जिसके लिए तुम काम करते हो। अब तुम मुझे बताओगे कि वो जंगल कहाँ है, और उस जंगल में जाते ही वो बाबा कहाँ मिलेंगे, और वो जगह कहाँ मिलेगी जहाँ उस बाबा ने मेरे गौरव को अगवा करके रखा है। सॉरी मैडम, पुलिस को जो करना है वो कर रही है, जी जान से जुटी हुई है आपके पतिदेव को छुड़वाने में। अब इसमें इस पैसे का क्या काम? आप क्या कर रही हैं आपको पता है? घर पे पागलपन झेलते होंगे आपके बाप, हम नहीं झेलेंगे। मेरी इज्जत मेरे पागलपन में ही है इंस्पेक्टर, और अगर पागल लोग अंजाम की सोचें तो फिर पागल किस बात के? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि राजनीति क्या है, और ये भी जानती हूँ कि तुम बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि सारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही तो चलती है। पर ये मत भूलना कि एक बार मेरे पापा इलेक्शन जीत गए क्या? वो तो जीत ही जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी इस वर्दी में इतनी गर्मी होगी कि पसीने की जगह खून बहेगा, वो भी एड़ी से सर तक। और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी इतनी नरक हो जाएगी इंस्पेक्टर कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या समझे तुम? देखिए, ये सब बातें तुम मुझे बताओगे, वो सब कुछ बताओगे जो मैं जानना चाहती हूँ, वरना तुम्हारा फ्यूचर
इतना काला होगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बोलना शुरू करो। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा, वहां मत जाइए, क्योंकि पुलिस वाले भी डरते हैं वहां जाके। यही तो फर्क है इंस्पेक्टर, पुलिस में और मुझ में। ये मत भूलो इंस्पेक्टर कि मेरा नाम उर्वशी चौधरी, और उर्वशी चौधरी एक बार जब कुछ ठान लेती है ना तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। और अब तुम देखना कैसे मैं मेरे गौरव को हर हालत में अपने पास वापस लेकर आती हूँ। लगता है महेंद्र चौधरी को हमारी बात समझ में नहीं आई। मैं अब इसके दामाद के दो टुकड़े करके इसके पास भेजूंगा। पहले इसकी उंगली काट के भेजो, और अगर वो हमारी बात मान गया तो उसको नौ उंगली का दामाद दे दो। तुम एक कायर, बुस्तिल और डरपोक इंसान हो। तुम अपने आप को इन लोगों का सरदार कहते हो ना? हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक बार हमारे हाथ खोल कर देखो, फिर तुम्हें दिखाते हैं कि हम इस पिंजरे में कैद एक तोता है या फिर तुम जैसे कीचड़ों का शिकार करने वाले बाज। खुल गया तुम्हारा मुंह, पर्दा भी हटा दे तब लोग पिक्चर भी देख लेंगे। अरे मुझे खलनायक समझो क्या? जो तुम्हारी चेतावनी को स्वीकार कर लो। हमारे इतने सारे लोग तुम्हें दिख नहीं रहे और तू फिर भी लड़ना चाहता है, पागल है क्या? ए, काम पे लग जाओ। लेकिन बाबा, अगर हम इसकी उंगली आज काटेंगे तो कल तक तो उंगली सूख के छुआरा हो जाएगी। अगर हम इसकी उंगली कल काट के भेजें तो? सही बोला, हम कल इसकी ताजा ताजा उंगली काट कर महेंद्र और उसकी बेटी को नाश्ते में परोसेंगे। तभी तो महेंद्र चौधरी को पता चलेगा कि आग हमेशा जलाती है, और इस बार इस आग में महेंद्र का पूरा साम्राज्य जल के राख हो जाएगा। बाबा एक और खबर है। बोल। महेंद्र चौधरी की बेटी भी जंगल में आ रही है। तो शिकार खुद चल के आ रहा है शिकारी के पास। आने दे उसे। असली तमाशा तो अब शुरू होगा। महेंद्र की बेटी महेंद्र की जान है, और वो अपनी जान गौरव को बचाने आ रही है, लेकिन उसे पता नहीं है यहाँ सबकी जान जाएगी, सबकी। और ये चुड़ैल। ये तो वही औरतें हैं जो घर पर आई थी। इसका मतलब गौरव यहीं आसपास है।
गौरव तुम यहां? गौरव हमें किसी भी हाल में यहां से निकलना होगा। हालत में यहां से निकलना होगा। चलो। हे! कोई है यहां पर? गोली मार रहा है जनादन। जो भी है ढूंढ के निकालो। कहां हो रहा है वे? जो है जाके मार गिरा उसे। बाबा कोई बुरा सपना देखा मैंने। क्या सपना देखा बता? आप गुस्सा करोगे बाबा। अरे नहीं करेंगे बता यार। बाबा मैंने सपने में देखा है कोई साला आपको दे दनादन गोली मार रहा है। वो महेंद्र चौधरी का दामाद, वो फुर हो गया है। कितना सड़ा सपना देखा है तूने। तू ना अपने सपनों पे काबू करना सीख। और हाँ, जाके उस लड़के को देख क्या कहना कहना। सुनो, तुम हमारी बात मानो। तुम चाहो यहाँ से। गौरव चुप हो जाओ, हम यहाँ तुम्हें लेने आए और हम तुम्हें हर हाल में लेकर जाएंगे। ना हमारी बात सुनो, तुम यहाँ से। बाबा लौंडा भाग गया। कैसे? ढूंढ उसे और छोटे छोटे टुकड़े कर दे उसके। मार गिराओ मिल जाए तो। एक तो ही गोली मारने को बोला है बाबा ने, वरना बाबा हम लोगों को मार देंगे। वहां से आवाज है, लड़की की आवाज है। का मतलब उसके साथ कोई लड़की भी है। चल निकल। बच नहीं पाओगे। बाबा
बाबा ने बोला है देखते ही लौंडे को गोली मार दो। मार गोली। नहीं। चल बाबा के पास इसको थोड़ा। अभी तो ये लोग यहीं थे, अब कहाँ चले गए? हमारे पिंजरे से भागने की बस एक ही सजा है, पिंजरे के साथ साथ पंछी का भी नाश। मैंने बोला था ना तुम सब लोगों को देखते ही मार दो। अबे मार ना! ऐसा मत करिए! ऐसा मत करिए! गौना! गौना! महेंद्र ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और वो टिकट भी वापस नहीं करेगा, और ये दोनों चूजे पुदक पुदक कर हमें परेशान कर रहे हैं। गलत टाइम पे फोन किया है तूने। अब तक ये दोनों खत्म हो जाते। नहीं, अभी रुकिए। धीरज, ये हम बताएंगे आपको। अब जाकर सही समय आया है महेंद्र चौधरी के आमने सामने बैठकर बात करने का। समझाएंगे उसको। समझा तो ठीक, नहीं तो मार देना उन दोनों को। तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा, बताना दोनों को कब खत्म करना है। ए तोता मैना, 4 घंटे हैं बस तुम दोनों के पास। अब जितना चाहो उतना गुटुगु कर लो, क्योंकि मरने के बाद वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा मत करिए हमारे साथ। बाबा, इन दोनों को नशे का इंजेक्शन दे देते हैं, ये लोग भाग नहीं पाएंगे। दे दे फिर इन दोनों को इंजेक्शन। नहीं, नशे में रहेंगे ना तो कुछ सोच पाएंगे और ना भाग पाएंगे। तुम हिम्मत रखो गौरव। थोड़ी देर में तुम दोनों के दिमाग के विचार सुनने हो जाएंगे, सारी सृष्टि तुम दोनों के लिए समाप्त हो जाएगी।
गौरव, एक मिनट, हम रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं। गौरव, हम फिर एक बार कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने। तुम्हें मत हारो। हाँ। ये लो, ये लगा दिया टाइम बॉम्ब। अब इसका टाइम शुरू और तुम दोनों का टाइम खत्म होना शुरू। लेकिन जब जिंदगी ने आज हमें एक मौका दिया तो हम तुम्हारे लिए एक चीज करना चाहते हैं। हम तुम्हारा गौना करना चाहते हैं। तुम्हारे बन के नहीं रह पाए लेकिन तुम्हारे बन के मर तो सकते हैं। जब आज मौत की सरहद इतनी करीब है तो हमारे बीच की सारी सरहदें मिट गई हैं गहना। हम एक दूसरे को अपना बना लेते हैं पूरी तरह। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।